टेक 90 बॉल सब बराबर है ना. सो मच अवेटेड मोमेंट इज हियर गाइस, आई वेलकम यू गाइस टू दिस फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ क्या बाल बिगड़ गए कट. वेलकम यू गाइस टू दिस एनर्जी निकालने के चक्कर में सारे बाल बिगड़ गए कट. आई वेलकम यू टू दिस फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ ट्रिपल लाइट. मैंने कुछ 2 महीनों से एक वीडियो अपलोड नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा. वीडियो तो आती रहेंगी, इसके पीछे एक रीज़न है कि मैंने क्यों अपलोड नहीं किया, वो वीडियो में आगे बात करेंगे. बट दिस वीडियो इज अ वेरी स्पेशल वीडियो, दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट माय जर्नी ऑन यूट्यूब. किरणों में पुतला खुला सा बातें बनाने में हुआ रमासा तो उनको पेरो के ये गीत गुनगुनाता मैं गाने बनाता हूँ दिन से रात जिस बातों से खेलूं फिर खुद के ही साथ समझू ना समझी ना मांगू सबूत क्यों बनना है कूल भाई खुद से तू पूछ हाँ खुद से ही जूझ तू खुद से मजबूर क्यों खुद से मजबूर क्यों खुद से मजबूर क्यों खुद से मजबूर क्यों. ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट माय जर्नी ऑन यूट्यूब. ये आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस चैनल ने कंप्लीट कर लिया है 50+ वीडियोस ऑन यूट्यूब गाइस. दिस इज़ अ माइलस्टोन, दिस इज़ अचीवमेंट. मेरा आप लोगों को थैंक यू बोलना तो बनता है नहीं क्योंकि ये चैनल जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का भी है. हाँ, इसमें से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैं रख लूँगा. आज तक इतना अगर सपोर्ट किया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो भी पूरी कर दो. रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को इस चैनल का मोस्ट लाइक्ड वीडियो बना दो. मेरे एक वीडियो पे कोई 270 लाइक्स है तो इस वीडियो पे मुझे 280 लाइक्स चाहिए और 80+ कमेंट्स चाहिए. चाहिए मतलब चाहिए, तुमको करने हैं ठीक है. अभी एक इंट्रो प्ले होगा, देखने की ज़रूरत है नहीं. हाँ वैसे देख सकते हो, देखना है तो तुम्हारी इच्छा है, पर उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, उसमें लाइक दबाओ, कॉमेंट करो और 15 सेकेंड का इंट्रो आराम से दोनों काम हो जाएंगे. सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी इंट्रो के बाद मिलते हैं. छोटू अपना पुराना वाला इंट्रो लगा दे जरा. सो या होपफुली सबने अपना काम कर लिया होगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं. 1-2 सेकंड रुक जाते हैं उन लोगों के लिए जो बढ़िया वाले कमेंट मारेंगे ना लंबी. Your videos are very inspiring, sir. We love your videos. You edit your videos very nicely. उन लोगों के लिए So let's start with the story. This is a story time. जब मैं छोटा बच्चा था, इतना छोटा कि तब मुझे पता भी नहीं था कि सिनेमाटोग्राफी होती क्या है, तब से मुझे सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी क्योंकि जब कभी भी मैं कहीं घूमने जाता था तो मेरा अल्टीमेट डिज़ायर यही रहता था कि जो कैमरा है ना वो मेरे गले में लटके, मैं सबकी फुटेज लूँ, सबके फ़ोटोज़ लूँ, बस ये अपना फेवरेट काम था. पर इसी एक क्वालिटी के बेस पे मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सकता यूट्यूब पे या फिर मैं चैनल नहीं बना सकता. बट इन 2017 मेरा एक दोस्त आता है, मेरे को बोलता है ये देख देख ये देख. उसने मेरे को बहुत ही फोर्स करके एक व्लॉग दिखाया, उसने मेरे को बोला कि यार ये व्लॉग्स है और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग्स देखना और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, ऐसा उसने बोला. बट माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज कि यार ये क्या है, कोई क्यों किसी और की लाइफ में इंटरेस्टेड होगा, कोई किसी और की वीडियोस क्यों देखेगा. बट आई वॉज रॉन्ग. मैंने और व्लॉग्स देखे और मैंने कुछ और व्लॉगर्स को एक्सप्लोर किया, तब जाके मुझे पता चला कि व्लॉगिंग मुझे पसंद है. और मुझे ये पता चला कि ये तो वही चीज़ है जो मुझे बचपन से पसंद है, पर मुझे अभी भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक वीडियो अपलोड करने के पहले, जिनमें 3 चीज़ें मेन है जो कि है कैमरा फियर हटाना 1, 2 अच्छी खासी एडिटिंग आनी चाहिए एंड 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलकम टू इंडिया गाइस, लोग क्या कहेंगे फियर को ओवरकम करना. अगर मैं इन 3 चीज़ों को ओवरकम कर लेता हूँ तो मैं एक अच्छी वीडियो डाल सकता हूँ यूट्यूब पे या फिर एक अच्छी चैनल बना सकता हूँ. पर अब तक मेरा कोई इरादा नहीं है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का या फिर कोई चैनल बनाने का.
बट इन 2018 आई गेस मैं पुणे गया था और वहाँ पर मैं एज यूजुअल रॉ फाइल्स ले रहा था, रॉ वीडियोस ले रहा था फॉर मेमोरी, बस ऐसे यूं ही। तो क्योंकि मुझे उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी एडिटिंग आ गई थी तो मैंने उन रॉ वीडियोस को उठाया और मैंने एक अच्छी सी वीडियो बनाई, उसमें एक पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया और उस वीडियो को थोड़ी सी अच्छी बना दी। तो उस वीडियो को जाकर मैंने अपने फैमिली को दिखाया, उन लोगों को दिखाया जिनके साथ मैं घूमने गया था, और उन सब ने थैंक गॉड वो इच्छा जताई कि उन लोगों को वो वीडियो उनके डिवाइस में चाहिए एज अ मेमोरी, क्योंकि वो एक समरी बन चुका था हमारे ट्रिप का। तो उन लोगों को वो वीडियो पसंद आया, बट सीरियसली उन लोगों को वीडियो पसंद आना वॉज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। और पता नहीं क्यों मैंने उन लोगों को वो वीडियोस दी ही नहीं, मैंने अपने पास रखी वो वीडियो। और फिर मैं जब घर पे आया तब मैं सोच रहा था कि कैसे मैं ये वीडियो उन तक पहुंचा सकता हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ही वीडियो को थोड़ी और एडिट करके YouTube पे अपलोड कर दूं, और अगर मुझे फ्यूचर में अच्छी ना लगे तो मैं ये वीडियो डिलीट भी तो कर सकता हूँ या फिर मैं प्राइवेट में डाल सकता हूँ, सेफर साइड। तो मैंने वो वीडियो पे थोड़ी और मेहनत करी और बाद में मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। उस टाइम की वो एकदम बेस्ट वीडियो थी क्योंकि उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी। अभी भी वो मेरे चैनल पे है और उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक भी है, वो भी मुझे पता है। वो तीन वीडियोस अपलोड करने के बाद मेरे को 20 सब्सक्राइबर हो गए थे, मतलब पुणे की ट्रिप के मैंने टोटल 3 वीडियोस बनाए थे, मैंने सारे अपलोड कर दिए। बट अब तो 2 फियर ओवरकम हो चुके हैं, एडिटिंग भी अच्छी खासी आ गई है और लोग क्या कहेंगे वाला फियर तो अब गया क्योंकि अब तो हमने वीडियो डाल ही दी है, ठीक है। पर अभी भी मुझे कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल बिहाइंड कैमरा, पर कैमरे के सामने आकर बोलना वॉज अ बिट टफ फॉर मी। तो अब चौथी वीडियो तो डालनी पड़ेगी ना, तो मैंने अपनी लोकल एरियाज़ के ऊपर एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट डाले कि मैं कैमरा के सामने कुछ बोल पाऊँ और कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ। तो वो वीडियो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट थी और उस वीडियो को मैंने अच्छी खासी एडिट की, और उस नादान बच्चे को क्या पता कि कॉपीराइट क्या होता है। तो उस बच्चे ने उस वीडियो में रोलिन करके एक सॉन्ग है जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है अभी भी, वो सॉन्ग मैंने यूज़ कर दिया उसमें और 1 घंटे में वीडियो गायब, YouTube पे है ही नहीं वो वीडियो, डिलीट हो गई। तो मैंने रात के 12 बजे वो वीडियो अपलोड की थी और 1 बजे तक तो मेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि भाई व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, वेरी इररिस्पॉन्सिबल यू आर बिकॉज देर इज़ नो वीडियो। और जब मैंने इतने सारे मैसेजेस देखे तब मैं YouTube पे गया, मैंने YouTube पे अपनी चैनल खोली, चैनल पे मैंने देखा तो वो वीडियो नहीं थी, हट गई थी। तो मेरा दिमाग भी हट गया क्योंकि मैंने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे। तो मैं YouTube पे सर्च किया जा रहा हूँ कि कैसे स्ट्राइक हटाते हैं, Google पे सर्च कर रहा हूँ कैसे स्ट्राइक हटाते हैं, पर मुझे लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है, सारे रॉ वीडियोस फिर से उठाता हूँ, फिर से एडिट करता हूँ। और इस बार मैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज़ किया और मैंने अपलोड किया 5 बजे तक में, और 7 बजे मेरी कॉलेज होती है तो 2 घंटा सोया, कॉलेज चला गया। और अभी भी मुझे बहुत ही परफेक्टली याद है कि जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, कॉलेज की बस में फर्स्ट रो विंडो सीट मैं बैठा था क्योंकि लैग स्पेस और हवा दोनों इम्पॉर्टेंट। तो मैं जब वहाँ पर बैठा था तब मैंने अपना इंटरनेट ऑन किया फ़ोन का, मैंने देखा कि एक नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन में लिखा है कि यू गेंड अ न्यू सब्सक्राइबर। मैंने वो नोटिफिकेशन पर टैप किया, मैंने सोचा कि यार कोई 4-5 सब्सक्राइबर गेन हो गए होंगे या फिर मैक्स टू मैक्स 10। तो मैंने वो उस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप किया, मैं अपने चैनल पर जाता हूँ देखता हूँ तो वहाँ पर 10 सब्सक्राइबर नहीं है, वहाँ पर टोटल 63 सब्सक्राइबर्स हैं। और उस वीडियो ने विद इन 12 आवर्स 3000+ व्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट हो गया ना, मैं लोगों को पार्टियां दिए जा रहा हूँ, ये सोचे जा रहा हूँ कि वाह यार अब तो सिर्फ YouTube इंडिया पे सिर्फ एक ही नाम होगा, उज्जवल त्रिवेदी ट्रिपर लाइट। पर उस टाइम पर हमारी इस चैनल का नाम ट्रिपर लाइट नहीं था, कुछ और था, वो एक अलग कहानी है, कभी और बात कर लेंगे उसके ऊपर। पर ये सीन हो गया, तो मैंने उसके बाद आप लोगों के सपोर्ट के साथ एक के बाद एक वीडियोस अपलोड करी और आज मेरे 50+ वीडियोस अपलोडेड हैं। दिल से बहुत खुशी होती है और दिल से थैंक यू टू यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही साथ रहना। बट ये तो बात हो गई माय जर्नी ऑन यूट्यूब के बारे में, बट विद माय जर्नी ऑन यूट्यूब मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो एक यूट्यूबर में होनी चाहिए। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुम नाम पैसे और फेम के चक्कर में YouTube पे आ रहे हो ना तो मत आओ। अगर सिर्फ नाम और पैसा कमाने आओगे
तो तुम 5 वीडियोस अपलोड करोगे, 10 मैक्स टू मैक्स 15, फिर तुम छोड़ दोगे। पर अगर तुम्हारा पैशन होगा तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्राइबर्स, पैसे या जो कुछ भी है, तुम वीडियोस अपलोड करते रहोगे क्योंकि ये तुम्हें पसंद है। नंबर 2, व्यूअर सेटिस्फैक्शन। अगर तुम्हारा व्यूअर तुम्हारी 10 मिनट की वीडियो देखता है तो उसे ये लगना चाहिए कि उसका टाइम पूरा यूटिलाइज हुआ है। और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो वीडियो अपलोड करने से पहले, कि क्या तुम्हारे सामने ये वीडियो आई होती तो तुम ये वीडियो देखते, और अगर देखते तो क्या तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगती। तो अगर इस क्वेश्चन का जवाब तुम्हें हाँ मिलता है तो वीडियो अपलोड कर दो क्योंकि ये तुम्हारा बेस्ट है। नंबर 3 इज एड वैल्यू टू लाइफ। अगर आप अपनी वीडियो से किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ग्रेट जॉब, करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, होपफुली ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ, मैं ध्यान रखूँगा कि मैं मोर कंसिस्टेंटली वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ ऑन यूट्यूब, पर मैंने ये पिछले 2 महीनों में ट्राई किया था, पर मुझे वाइब ही नहीं आ रही थी, फील ही नहीं कर रहा था। और अगर वाइब भी नहीं आएगी, फील ही नहीं करूँगा, तो अंडर प्रेशर आके अगर मैं वीडियो अपलोड कर भी दूँ तो वो वीडियो में दिखेगा नहीं और मज़ा नहीं आएगा यार। तो मैंने इसलिए वीडियोज़ अपलोड नहीं की, अच्छा खासा रीज़न था ना ये। और एक बात तो फिक्स है कि ये चैनल यहीं है, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे भाई इधर ही बैठा है, तुम टेंशन मत लो। बिना हिचकिचाए सब्सक्राइब दबा दो और हो सके तो बेल आइकन दबा दो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी इंस्टा आईडी की, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो। सो सी यू सून विथ अनदर न्यू वीडियो गाइस, सून। नया वाला इंट्रो लगा दे ज़रा, इन लोगों के लिए भी तो कोई सरप्राइज हो इतने टाइम के बाद। तेरे साथ सच होंगे सारे ख्वाब, तेरा ही है बस मुझे दिखता सब साफ। आंखें खोलूं तेरी आज, पहना दूं तुझे ये ताज, आजा फड़के तेरा हाथ, झूमूं तो जोड़े ये ख्वाब।